सामाजिक विकास के लिए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करना बहुत ही जरूरी है। पिछले एक दशक में इसमें सुधार देखने को मिला है, लेकिन इन मुद्दों पर तय लक्ष्यों से हम अभी भी बहुत पीछे हैं। 2016 में जारी चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार बच्चों पर 51 है, बाल मृत्यु दर प्रति हजार बच्चों पर 65 है, 42.8% बच्चे कुपोषित हैं, पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या 53.6% है, प्रदेश में 80.8% संस्थागत प्रसव होने से प्रसव की स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन पूर्ण प्रसव पूर्व जांच अभी भी 11.4% है। आधी से ज्यादा महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। देश में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शाला पूर्व शिक्षा जैसे इन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ऊषा और ANM महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कुछ साल पहले तक सेवा प्रदाताओं को अपने काम को अंजाम देने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जो इन्फॉर्मेशन हम पहले लिखित रूप में बुलवाते थे उसमें काफ़ी समय लगता था। पहले चिट्ठी के माध्यम से और किसी माध्यम से परेशानी जाती थी। लचर निगरानी तंत्र, लेट रिपोर्टिंग, ढांचागत व्यवस्थाओं में कमी और कमजोर संचार के कारण हितग्राहियों तक सुविधाओं को पहुंचाना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन अब इसमें सुधार के लिए सेवा प्रदायगी के ढांचे को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में डिजिटल तकनीक का तेजी से विकास हुआ है, इसकी बदौलत सेवाओं में सुधार लाना ज्यादा आसान हुआ है। डिजिटल तकनीक के आने के बाद संचार के नए रास्ते खुल गए हैं। देश में हर साल 28% मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2020 तक 73 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हो जाएंगे। इनमें से आधे से ज्यादा लोग मोबाइल पर इंटरनेट उपयोग करेंगे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या में ग्रामीणों की संख्या 50% हो जाएगी। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। डिजिटल युग में संचार, सीख, निगरानी, रिपोर्टिंग और सेवा प्रदायगी में बदलाव आ रहा है। पहले मोबाइल नहीं था तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी, जैसे रिपोर्ट वगैरह देने वहीं जाना पड़ता था। कभी कभी जैसे वाहन वगैरह नहीं मिलते थे तो पैदल पैदल जाते थे। आज मोबाइल है तो 5 मिनट में मतलब मैं काम हो जाता है, मैडम से तुरंत बात हो जाती है। टीकाकरण करने से पहले मैं आशा और आंगनवाड़ी को अपने मोबाइल से SMS कर देती हूँ। स्वास्थ्य विभाग से हमारा मैसेज आया था कि गर्भवतियों की मतलब जांच कराएं, तो इसको हमने पढ़ करके मतलब काम को और बेहतर तरीका से करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। डिजिटल तकनीक के सहारे निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्स बनाए जा रही हैं जिनके माध्यम से ये संभव होता जा रहा है। मॉनिटरिंग भी हम फोन से कर लेते हैं, या तो हम जाके करते हैं तो वहाँ की वस्तु स्थिति का एंड्रॉइड पे फोटो लेते हैं, या आप किसी से बात कर लो, अदर पर्सन से मोबाइल पे बात करो, कार्यकर्ता हमारी है नहीं है, केंद्र हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। भोपाल से भी मैसेज आते हैं, देवेंद्र नगर से भी मैसेज आते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है उसमें आ जाते हैं मैसेज में, तो उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी पूरी सेक्टर की जानकारी एकत्रित करके भेजता हूँ। रिपोर्टिंग को रियल टाइम रिपोर्टिंग में बदलना आसान होता जा रहा है, इसके लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। इससे हम फोटो खींच के और व्हाट्सएप से सेंड कर देते हैं। दस्त का प्रोग्राम चल रहा था, उसकी भी फोटो निकाली और फिर व्हाट्सएप में मैंने डाली, अपने BOM साहब को बताई।
मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो हर एक आंगनवाड़ी से कलेक्ट किया जाता है, वो ऑनलाइन अभी फीड किया जाने लगा। तो वो इन्फॉर्मेशन महीने के पहले वीक में पूरे जितने भी 80-90 हज़ार आंगनवाड़ियाँ उन्हीं की एक साथ हमको प्राप्त हो जाती है। मैडम कोई रिपोर्ट मंगाती हैं कि आप रिपोर्ट लेके आइए ऑफिस, तो हमको टैक्सी करना पड़ती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप के माध्यम से हम तुरंत फोटो ले लेते हैं और मैडम को सेंड कर देते हैं। समय की बचत भी हो गई और पैसा भी बच गया। सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाने में संचार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इसे ज्यादा सशक्त बनाया जा रहा है। इसमें मोबाइल ने अहम भूमिका निभाई है। तो मोबाइल ले लिया तो अब माने सुविधाएँ ऐसी हो गई कि उनको फ़ोन कर देते, और जो डिलीवरी माने जैसे हम कहीं बाहर गए हैं, मरीज का फ़ोन गया तो हमने गाड़ी वाले का हॉस्पिटल में फ़ोन लगा दिया, तो वहाँ से माने गाड़ी वाला उठा लिया। पंजीयन करवाते थे उसके कार्ड में मैं नंबर लिख देती थी अपना, तो फिर वो नंबर से हमसे संपर्क कर लेते थे। जैसे गाड़ी बुलाना है, जन्य सुरक्षा बुलाना है, गर्भवती को वहाँ ले जाना है, और फिर जो सेवा करना है, सब हम लोग मोबाइल से एक दूसरे से संपर्क कर लेते। पहले हमारे यहाँ टीकाकरण या गर्भवती धात्री माता को बुलाना है तो कम से कम आधा घंटा लगता था। NM बैठी रहती थी, क्योंकि बुलाने जाएंगे तो समय तो लगेगा, क्यों दूर दूर घर हैं, लेकिन आज मोबाइल लगाते हैं वो तुरंत आ जाती है और उनको बराबर सेवाएँ उससे मिल जाती हैं। काम में सरलता हो गई। अभी हम कोई भी जानकारी चाहे जिले को भेजें, चाहे डायरेक्टरेट भेजें, मेल कर देते हैं। सभी सेवा प्रदाताओं के पास मोबाइल है। मोबाइल का सामान्य उपयोग करते हुए भी वे मूलभूत सुविधाओं को सहज और सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके काम में मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई जमीनी सेवा प्रदाता धीरे धीरे ही सही पर अपना कदम स्मार्टफोन की ओर बढ़ा रहे हैं। अभी कार्यक्रम किया था और अभी मैंने अपने सर को व्हाट्सएप पे भेजा दिया, ये पूरा कार्यक्रम पूरा क्या क्या किया मैंने, सुबह से क्या क्या किया। फिलहाल मोबाइल और स्मार्टफोन के बेहतर उपयोग के तरीकों की जानकारी अधिकांश जमीनी सेवा प्रदाताओं को नहीं है। सेवा प्रदाताएं अपने नजदीकी लोगों से फोन का बेहतर उपयोग करना सीख रही हैं। मेरे बेटे के पास बड़ा मोबाइल है, तो उससे मैं कुछ सीखती रहती हूँ, और कुछ जानकारी चाहिए होती तो मैं अपने लड़के से बोल देती हूँ तो वो निकाल देता है। अभी मैं जी चलाना सीख रही हूँ, और जो अभी जितने काम करती है तो मेरी बेटी, मैं बता देती हूँ कि बेटी फ़ोटो खींचना है तो वो निकाल के और वो सेंड कर देती है। या कुछ भी पढ़ना रहता है, जो भी वो करना रहता है, तो मैं अपने मम्मी को इस मोबाइल द्वारा हेल्प करता हूँ। और बहुत सी चीज़ें अभी आती नहीं है तो वो थोड़ा सा अभी मैं सीख रही हूँ, और बच्चियों से किशोरी बालिकाओं से मदद ले लेती हूँ। दीदी को जानकारी नहीं होती वो मैं बता देती हूँ। डिजिटल तकनीक का सबसे बड़ा प्रयोग सुरक्षित प्रसव और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। कॉल सेंटर के माध्यम से जननी एक्सप्रेस या 108 एम्बुलेंस द्वारा त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय तक पहुंचाई जा रही हैं। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? गाड़ी जल्दी भेजे ना भैया। हाँ, गाड़ी आ रही है आपके यहाँ। बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से टीका स्टोरेज पर टेम्परेचर और उसकी उपलब्धता की निगरानी रखी जाती है। इसमें CHC और PHC स्तर के टीका स्टोर पर ILR में टेम्परेचर लॉगर लगाए गए हैं। लॉगर में मौजूद सिम से फ्रीजर के टेम्परेचर की जानकारी हर घंटे पोर्टल पर अपलोड होती रहती है। यदि इसमें कोई गड़बड़ होती है तो कोल्ड चेन हैंडलर सहित 5 जिम्मेदार लोगों तक ईमेल और SMS पहुंच जाता है। इसी तरह ईविन इंडिया ऐप के माध्यम से टीका की उपलब्धता की निगरानी की जाती है। ईविन के द्वारा जो हम रिपोर्ट करते हैं, हमारे वैक्सीन का पूरा टेम्परेचर की जानकारी मिल जाती है, ये स्टॉक की जानकारी मिलती है, कितना वैक्सीन है खतरे पे आ गया, उसके बारे में ऊपर से भी हमको सचेत किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर तरीके से लागू करने पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को अवार्ड भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सेवा प्रदाताओं को CUG यानी क्लोज यूजर्स ग्रुप सिम दिया है।
स्वास्थ्य विभाग के पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में नेटवर्किंग रहती है कि वह उस सीयूजी के सिम के माध्यम से अपना संदेश निःशुल्क बता सकती है। सीयूजी पर मतलब डायरेक्ट दिल्ली से डॉक्टर लोग बात करते हैं। भारत सरकार ने मोबाइल आधारित किलकारी सेवा शुरू की है। इसके द्वारा सेवा प्रदाताओं और हितग्राहियों को मोबाइल से ऑडियो संदेश देकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। तो आज ही अपना मोबाइल नंबर आशा या एएनएम दीदी के यहाँ रजिस्टर करवाएं। सरकार ने मोबाइल अकादमी ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की कार्यकुशलता को बढ़ाया है। मोबाइल के माध्यम से आपसी संवाद आधारित कोर्स पूरा करने पर उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है। मध्य प्रदेश की एकीकृत बाल विकास सेवा की संचार शाखा द्वारा ई संचयिका यानी एक वेबसाइट पर संचार संसाधन केंद्र शुरू किया गया है। स्वैच्छिक संस्था विकास संवाद ने भी एक पहल की। उसने मध्य प्रदेश सरकार के मोबाइल अकादमी के एसएमएस संदेशों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाया। लगातार चलाए गए पोषण संवादों की प्रक्रिया के दरमियान इसे अंजाम दिया गया। सेवा प्रदाताओं ने इसका उपयोग अपने कार्य को बेहतर बनाने में किया। मेरे पास मैसेज आया था, जैसे गर्भवतियों के लाने जो जो सुविधा है, तो हमें गांव में जैसे रजिस्टर लेके घूमना नहीं पड़ता है। जैसे अगर गर्भवती के घर पे मिलने गए थे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अपन से मिस हो जाती थी, तो वो एक बार मोबाइल खोल के देख लिया वो चीज़ और उसके बाद उन्हें डिटेल्स करके समझा सकते थे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में डिजिटल तकनीक के सहारे महिला एवं बाल विकास विभाग ने शोभा योजना शुरू की है, जिसमें हम डॉक्टर, आपका आधार ऑपरेटर, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, CDPO, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं और कम्युनिकेशन से हम उस बालिका को या उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का, जो भी विभाग की योजना देने का कष्ट करते हैं। मेरा पेन हुआ करीबन 6 बजे सुबह, फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मेरे देवर ने कॉल किया, फोन करके जर्नी एक्सप्रेस गाड़ी को बुलवाया। मुझे घर वालों ने बताया कि बेटी हुई और इसके तुरंत बाद वो तीनों वो बन गए, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और लाडली लक्ष्मी कार्ड। जो भी मतलब उनकी कार्यकर्ता है उनके द्वारा हमको सूचित किया जाता है, तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं या अपना टैबलेट लेकर उसका आधार नामांकन किया जाता है। मोबाइल के उपयोग से प्रदेश की आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई बेमिसाल उदाहरण पेश किए हैं। पहले जो अति कम वजन के बच्चे को नाप लिया तो उसका मैं पहले फोटो ले लेती हूँ और फिर उसको NRC में भर्ती करते हैं, तो फिर जब वो 14 दिन के बाद वापस आता है तो उसका फिर फोटो लेकर अभिभावकों की जो मीटिंग करती हूँ उसमें बताती हूँ इसमें कितना सुधार हो गया। इससे क्या बच्चों के जो माता पिता हैं उनको प्रेरणा मिलती है। अंश बच्चा है 2 साल का, उसको हृदय में छेद है, जो गुना में हमने उसके लिए व्हाट्सअप से भेजा मैसेज डॉक्टर साहब के लिए, तो उन्हें हम लोग को बुलाया, उसका भंडारी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। पिछले महीने की घटना जो है, तो वो महिला का यहाँ हम वहाँ पुरवा गांव की थी, उसको हमने यहाँ अस्पताल लेके आई और उसका बच्चा यहाँ पर नहीं हुआ, तो हमने BMO सर को फ़ोन लगाए, BMO साहब ने दिया गाड़ी, तो उसको हम ले गए वहाँ रीवा, तो उसके ऑपरेशन सीजर से लड़की हुई थी। इन सब के बावजूद अभी भी सेवाओं को बेहतर बनाने में डिजिटल तकनीक के उपयोग में कई बाधाएं हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या है। अंग्रेजी आधारित ऐप्स होने से सेवा प्रदाताओं को भाषा की समस्या से जूझना पड़ता है। उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिल पाया है। ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो मैसेज लिखना, पढ़ना और भेजना, ये तीनों चीज़ कर सकें और ये जो प्रशिक्षण हो ये व्यवहारिक रूप में हो। इसके लिए सामूहिक तौर पर ट्रेनिंग देने का विचार चल रहा है और उसका सर्विसेज को बेहतर ढंग से प्रोवाइड करने के लिए उसको उपयोग कर सकेंगे। कई बार देरी से रिस्पॉन्स के कारण समय पर सेवा नहीं मिल पाती है। खराब रास्तों और संस्थागत खामियों के कारण भी सेवाएं हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाती। मोबाइल और इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से
सेवाओं का डिजिटलाइजेशन होते जाना स्वाभाविक है। 100% काम तब सरल हो जाएगा जब सबके पास एंड्रॉइड फोन कंप्यूटर, तो वो पेपरलेस वर्क हो जाएगा। मोबाइल और इंटरनेट आधारित एप्लीकेशंस का लगातार विकास किया जा रहा है। सेवाओं को सुनिश्चित करने में मोबाइल एवं अन्य डिजिटल तकनीक मददगार बनते जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर तरह की बाधाओं को दूर किया जाए। सेवा प्रदाताओं के लिए लगातार मोबाइल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए, क्योंकि ये समय है डिजिटल तकनीक के नवाचारी प्रयोग पर जोर देने का, और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का।